हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट मी इन्फॉर्म में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के सपनों की दुनिया के बारे में, एंड दैट इज एलबीएस नेम यानी लबसना, जो आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग एकेडमी होती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वहाँ पर आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कैसे कराई जाती है, उन्हें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, एग्जाम्स कौन कौन से क्लियर करने होते हैं और ट्रेनिंग के दौरान उनकी सैलरी कितनी होती है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती कहाँ है। आईएएस ट्रेनिंग लबसना में होती है। लबसना का पूरा नाम लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। ये उत्तराखंड के मसूरी में स्थित है। ये एकेडमी काफ़ी बड़ी है, ये लगभग 190 एकड़ में फैली हुई है। लबसना का मोटो है शीलम परम भूषणम। आइए अब जानते हैं आईएएस ट्रेनिंग के बारे में। हर साल आईएएस ट्रेनिंग के लिए एक बैच बनाया जाता है जिसमें उस साल के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं। इस एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए आए हुए कैंडिडेट्स को ऑफिसर ट्रेनिंग यानी ओटीज कहा जाता है। आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग 5 पार्ट्स में होती है, जिसमें सबसे पहले होता है फाउंडेशन कोर्स, देन फेज 1, उसके बाद होती है डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के बाद फेज 2 ट्रेनिंग होती है और सबसे लास्ट में होता है असिस्टेंट सेक्रेटरीशिप। तो सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन कोर्स के बारे में। ये कोर्स 3 महीने का होता है। फाउंडेशन कोर्स में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस इन सारी सर्विसेज के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एलबीएस ने में ऑफिसर ट्रेनीज के डेली रूटीन से। सबसे पहले हम देखेंगे कि उनका दिन का रूटीन कैसा होता है। तो एलबीएस ने में एक पोलो ग्राउंड है जहां पर सभी ऑफिसर ट्रेनीज को सुबह 6 बजे से पहले पहुंचना होता है। दिन की शुरुआत आपकी पीटी से होती है। इसमें ऑप्शंस भी होते हैं जैसे योगा, हॉर्स राइडिंग, इसमें से आप कुछ भी कर सकते हैं, बट यू हैव टू डू द एक्सरसाइज। इसके बाद आपको फ्रेश होके अपनी प्रॉपर ड्रेस में ऑफिसर्स मेस में ब्रेकफास्ट के लिए जाना होता है। यहाँ आपको प्रॉपर ड्रेस में जाना कंपलसरी होता है। अगर आप प्रॉपर ड्रेस में नहीं होते हैं तो वहाँ आपको एंट्री करने के लिए भी अलाउ नहीं किया जाएगा। जैसे आपकी शूज़, टाई सब प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। ऑफिसर्स मेस में आपको अलग अलग तरीके का खाना दिया जाता है, कभी नॉर्थ इंडियन, कभी साउथ इंडियन, रोज़ का अलग मेन्यू होता है। फिर 9:30 से आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। इसमें आपके 2 लेक्चर्स होते हैं और 11:30 को टी ब्रेक होता है। 11:30 से 12 तक आपका टी ब्रेक चलता है। उसके बाद 12 से 2 तक आपके 2 लेक्चर्स और होते हैं। के बाद 2 से 3 तक आपका लंच होता है और 3 से 4 आपका एक और लेक्चर होता है। के बाद आप 4 बजे फ्री हो जाते हैं, लेकिन 5:30 तक आपको कुछ एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। ये आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। जिसमें कोई बैडमिंटन खेलना चाहता है तो वो बैडमिंटन खेल सकता है, कोई पेंटिंग करता है, कोई फ्रेंच लैंग्वेज सीखता है, मतलब जो भी आप चाहें वो इसमें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सीख सकते हैं। और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ इनके अलावा इसमें होती हैं। इसी तरह आपका पूरा दिन निकल जाता है। फाउंडेशन कोर्स में आपको कॉलेज जैसी फीलिंग आती है। आपकी क्लासेस को भी सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है जैसे कॉलेज में होता है। अब सवाल आता ये है कि इन क्लासेस में आपको पढ़ाया क्या जाएगा। तो अब बात करते हैं कि फाउंडेशन कोर्स में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं उसमें सबसे पहले आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बाद आपको लॉ पढ़ाया जाता है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है और मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल साइंस पढ़ाई जाती है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी एक सब्जेक्ट है जो फाउंडेशन कोर्स में आपको पढ़ाया जाएगा, और आपको इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, ये भी फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाया जाएगा। इन सभी सब्जेक्ट के अलावा आपकी आईसीटी की क्लासेस भी होती हैं जिसमें कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज दी जाती है। इसमें लैंग्वेज पेपर की क्लासेस भी होती हैं। इन सभी सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स भी होते हैं, मिड टर्म एग्ज़ाम और फाइनल एग्ज़ाम्स। इन दोनों एग्ज़ाम्स में आपको पास होना ज़रूरी होता है। ये दोनों एग्ज़ाम्स आपको क्लियर करने होते हैं।
अब देखते हैं एक्टिविटीज़ के बारे में। तो हर वीकेंड पर आपको एक ट्रैक पे ले जाया जाता है। स्टार्टिंग में आपको 10 टू 20 किलोमीटर के ट्रैक पे ले जाया जाता है। मसूरी के आसपास ही आपको भेजा जाता है, जैसे जॉर्ज एवरेस्ट पीक, इस तरह की पीक्स पर आपको भेजा जाता है। उसके बाद आपको 7 डेज के ट्रैक पर भेजा जाता है। इसमें ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ये लगभग 25 से 30 किलोमीटर की होती है। और इसके बाद आपका 10 दिन का हिमालय ट्रैक भी होता है, जो 100 किलोमीटर तक का होता है। और इसमें सभी ओटीज का जाना कंपलसरी होता है। आपका 7 दिन का विलेज विजिट भी होता है, जिसमें ऑफिसर्स को गांव में ले जाया जाता है और गांव के लोगों की प्रॉब्लम से अवगत कराया जाता है। फाउंडेशन कोर्स में एथलेटिक्स इवेंट्स भी होते हैं, जिसमें सभी ऑफिसर्स पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें कई तरह की रेसेस ऑर्गेनाइज की जाती हैं, जैसे 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, 400 मीटर रेस, 800 मीटर रेस, 1500 मीटर रेस। इसके अलावा लॉन्ग जंप, हाई जंप भी होती है। ये 21 दिनों तक चलता है। एथलेटिक्स मीट में अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले कैंडिडेट्स को ट्रॉफीज और मेडल्स भी दिए जाते हैं। एकेडमी में अक्टूबर महीने में लिटरेरी फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें कविता और साहित्य से जुड़ी बड़ी बड़ी हस्तियाँ एकेडमी आती हैं। एकेडमी में 14 टाइप्स की क्लब और सोसाइटीज़ भी होती हैं। ओटीज़ को सभी क्लब और सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी होता है। फाउंडेशन कोर्स में ECM भी होता है। ECM यानी एक्स्ट्रा करिकुलम मॉड्यूल। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। ECM में 15 टाइप के स्किल्स होते हैं, जिसमें से किसी एक स्किल को आपको अपने इंटरेस्ट के अनुसार चूज करना होता है और उसी स्किल में आपको ट्रेन किया जाता है। फाउंडेशन कोर्स में क्लासेस के एग्ज़ाम के साथ साथ आपके एक्टिविटीज़ के भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जो 300 मार्क्स के होते हैं। फाउंडेशन कोर्स के एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद ही आप फेज़ वन में जाते हैं। अगर आप फाउंडेशन कोर्स के एग्ज़ाम्स को क्लियर नहीं कर पाए तो आप फेज़ वन में नहीं जाएंगे। फाउंडेशन कोर्स में जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है, इसको बोला जाता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफिसर ट्रेनिंग। फाउंडेशन कोर्स का एक इंटरेस्टिंग पार्ट इसके कल्चरल इवेंट्स भी होते हैं। फाउंडेशन कोर्स में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि इसमें 1 महीने के बाद ही आपको सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाती है। 5600 रुपीस आपको सैलरी दी जाती है। इसमें से 10,000 रुपीस जो हैं आपके मेस चार्जेस कट कर लिए जाते हैं। फाउंडेशन कोर्स के लास्ट में आपको बड़ी बड़ी हस्तियां जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन सब से मिलवाया जाता है। फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट होने के बाद IAS ऑफिसर को छोड़कर सभी सर्विस के ऑफिसर्स अपनी अपनी एकेडमी चले जाते हैं और IAS ऑफिसर्स की फेज़ वन की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको केवल 2 दिन की छुट्टियां दी जाएंगी। उसके बाद आपकी फेज़ वन की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। फेज़ वन की ट्रेनिंग की शुरुआत भारत दर्शन से होती है। भारत दर्शन IAS ट्रेनिंग का मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। तो अब देखते हैं कि ये भारत दर्शन होता क्या है। एक्चुअली भारत दर्शन जो है वो 40 से 45 दिन का एक स्टडी टूर होता है, जिसमें IAS ऑफिसर ट्रेनीज को भारत के अलग अलग राज्यों में भेजा जाता है। पहले उन्हें कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और फिर उनको अलग अलग राज्यों में भेजा जाता है। ऑफिसर्स को कई तरह के पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर्स में भेजा जाता है। इसके अलावा कई तरह के NGOs से भी अटैचमेंट होती है। इसके अलावा 5 दिन का आर्मी अटैचमेंट भी होता है। ऑफिसर ट्रेनीज को बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस पर भी घुमाया जाता है। इसके अलावा ऑफिसर ट्रेनीज को ट्राइबल एरियाज में भी ले जाया जाता है। भारत दर्शन का पर्पस ऑफिसर ट्रेनीज को भारत की संस्कृति में विविधता का एहसास कराना और इसके अलावा भारत के अलग अलग राज्यों के लोगों की प्रॉब्लम्स को करीब से देखना, समझना और उनके सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करना होता है। भारत दर्शन कंप्लीट होने के बाद ऑफिसर्स LBS ने मसूरी वापस आ जाते हैं। इसके बाद इनकी फाउंडेशन कोर्स जैसी ही क्लासेस स्टार्ट होती हैं। इसमें उतने ही सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। फेज़ वन की ट्रेनिंग में भी एक्टिविटीज़ होती हैं, बट यहाँ पर एक्टिविटीज़ के मार्क्स एग्ज़ाम्स में ऐड नहीं होते। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे वीकेंड फिल्म फेस्टिवल। इसमें 3 दिन तक स्पोर्ट्स मीट भी चलता है, जिसे संगम कहते हैं। ये एक इंटर सर्विस मीट होता है। एकेडमी में
चार जोनल डेज का आयोजन भी किया जाता है। जोनल डेज में कैंडिडेट्स अपने अलॉटेड स्टेट कैडर की संस्कृति, रीति रिवाज और व्यंजन का प्रदर्शन करते हैं। फाउंडेशन कोर्स के जैसे ही फेज वन में भी एग्जाम्स होते हैं, लेकिन इसमें एक्टिविटीज के मार्क्स ऐड नहीं किए जाते। इस तरह आपकी फेज वन की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। फेज वन की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग एक साल की होती है। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में आपको सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर अंडर ट्रेनिंग की पोस्ट पर अपॉइंट किया जाता है। इसमें आपको क्या करना होता है कि 2 महीने तक आपका जो है अटैचमेंट कराया जाता है कलेक्ट्रेट से, इसके अलावा चीफ मिनिस्टर, सेक्रेटरीट, इसके अलावा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, जिला परिषद, इन सब से आपका अटैचमेंट कराया जाता है। एक कलेक्टर से आपका डायरेक्ट अटैचमेंट होता है, वो आपको गाइड करते हैं। उनके साथ विजिट पर जाना होता है, किसी गांव में रात्रि ठहराव के लिए जाना होता है, उनके पास जाकर उनकी समस्याओं को समझना होता है, क्योंकि जब तक आप फील्ड में नहीं जाते हो तब तक आपको पब्लिक की प्रॉब्लम्स का पता नहीं चलता है। 2 महीने के अटैचमेंट के बाद आपको एज एन SDM इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया जाता है। ये इंडिपेंडेंट चार्ज इसलिए दिया जाता है ताकि जो भी ऑफिसर ट्रेनीज हैं वो फ्रीडम के साथ अपना काम कर सकें और सीख सकें कि उनको फ्यूचर में किस तरीके से काम करना है। इस तरह डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फेज़ 2 की ट्रेनिंग शुरू होती है। फेज़ 2 की ट्रेनिंग 6 वीक्स की होती है। इसमें जो खास बात है वो ये होती है कि इसमें आपको कोई सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते और कोई एग्ज़ाम्स भी नहीं होते हैं। इसमें आपको करना क्या होता है, सिर्फ जो आपने एक साल में डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में आपका जो भी एक्सपीरियंस था, बस आपको वो एक्सपीरियंस शेयर करना होता है। ये इसलिए कराया जाता है ताकि जितने भी ऑफिसर ट्रेनीज हैं वो एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से भी कुछ सीख सकें। इसके अलावा फेज़ 2 ट्रेनिंग में कुछ एडवेंचरस कोर्सेज भी होते हैं, जैसे रिवर राफ्टिंग, पैरासेलिंग, इसके अलावा रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैक, ये सब एडवेंचरस कोर्सेज भी आपको फेज़ 2 ट्रेनिंग में कराए जाते हैं। इसके अलावा फेज़ 2 में आपका 1 वीक का फॉरेन स्टडी टूर भी होता है। इसके बाद जब आपकी फेज़ 2 की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पब्लिक मैनेजमेंट में मास्टर्स डिग्री दे दी जाती है। फेज़ 2 ट्रेनिंग के बाद आपके जो ट्रेनिंग का लास्ट पार्ट है, दैट इज़ असिस्टेंट सेक्रेटरीशिप, वो बचता है। इसके लिए आपको दिल्ली जाना होता है। दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट की 36 अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, वहाँ पर आपको बतौर असिस्टेंट सेक्रेटरी नियुक्त किया जाता है। ये आपको जो असिस्टेंट सेक्रेटरी है ये आपको 3 महीने के लिए बनाया जाता है ताकि आप अलग अलग मिनिस्ट्रीज के काम को करीब से समझ सकें। असिस्टेंट सेक्रेटरीशिप के बाद आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और आपको अलॉटेड स्टेट कैडर में पोस्टिंग दे दी जाती है। तो ये थी IAS ट्रेनिंग के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।